अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लॉलीवुड 24 में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। किसी भी ऐसे शख्स को खो देना जिसके साथ आपकी दिली वाबस्तगी हो, आसान नहीं होता है। और अगर बात की जाए माँ बाप की, तो उन्हें खो देना बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। बच्चों को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत उनके माँ बाप ही दे सकते हैं। इसी वजह से बच्चे अपने वालदैन के साथ बहुत ही ज़्यादा दिली वाबस्तगी रखते हैं, और वो ये सोच भी नहीं सकते हैं कि वो किसी दिन इन्हें छोड़कर चले जाएं। और अगर वो किसी दिन उन्हें छोड़कर चले जाएं, तो दिलासा देने वाले तो दिलासा देते हैं, मगर उन बच्चों के दिलों पर क्या बीत रही होती है ये कोई भी नहीं जान सकता। ना ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एमन और मिनाल खान के वालिद के बारे में। अगर आप ये वीडियो पूरी देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। जैसा कि हाल ही में आपको बताया गया कि एमन और मिनाल खान के वालिद इंतकाल कर गए हैं, मुनीब भट्ट ने सबसे पहले इस खबर को सोशल मीडिया अकाउंट पे शाया किया, ताकि उनके फैंस उनके लिए दुआ कर सकें। इस पर एमन खान ने भी अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहा कि मेरे वालिद का नमाज़े जनाजा इस जगह पर होने वाला है, सबसे अपील की जाती है कि वो उनके लिए फातिहा पढ़ें। अपने बाबा को खो देने पे इन दोनों की हालत बहुत ही नासाज थी। बहुत से लोग इन्हें दिलासा देते रहे और चुप भी करवाते रहे, लेकिन एमन खान की हालत बहुत ख़राब थी, और वो कहती रहीं कि मेरे बाबा अब नहीं बोलेंगे, मुझे मेरे बाबा ला दो। मेरे बाबा खामोश हो गए हैं, वो हमसे नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि जब भी वो हमसे नाराज़ होते थे तो वो खामोश हो जाते थे। ये तमाम इन तर बातें कहती रहीं और अपने फैंस से दुआओं की अपील भी की। उनकी ये हालत सुनकर हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, और आप सब से भी इल्तमास की जाती है कि आप भी उनके वालिद साहब के लिए दुआए मगफिरत करें, और बेशक इंसान ने अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है।